मैं खुशी रहा आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आठवीं कक्षा के एक छोटे से बच्चे ने प्रिंसिपल को किया फोन और वो फोन में मांग रहा था 5 लाख रुपए की फिरौती। ये जो पूरा मामला है यूपी से आ रहा है, चलिए हम लोग आपको बताते हैं कि उसने वारदात को अंजाम दिया और अगर अंजाम दिया तो कैसे उसने अंजाम दिया और क्या वो पकड़ा गया, हम हर एक चीज के बारे में आपको बताएंगे। ये बहुत ही सनसनीखेज खबर है जो कि जानना आपको काफी ज्यादा जरूरी है। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग पे कभी किसी चीज से असर हो जाता है, ऐसा ही असर इस आठवीं कक्षा के जो कि छात्र है उसके ऊपर भी हुआ है। चलिए पूरे मामले के बारे में आपको बताते हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए कि इसके जरिए हम आगे की भी वीडियोस आप तक सबसे पहले लेके आ पाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। और पुलिस ने अभी इस छात्र के साथ जो किया है, क्या आपकी नजर में सही है? पूरी रिपोर्ट जानने के बाद बताइए जरूर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि छोटे छोटे बच्चे काफी सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं और उस दौरान ही अभी स्कूल वगैरह भी बंद है और उस दौरान ही जो बोलते हैं ना कि खाली जब दिमाग होता है तब वो शैतान का घर होता है, उस दौरान बहुत सारे बच्चे काफी सारी अच्छी चीजें भी करते हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अच्छी चीजें नहीं कर पाते, उनका दिमाग कहीं और ही चला जाता है। हमारे सामने यूपी के मेनपुरी जिले से ये पूरा मामला आ रहा है जहां पर एक प्रिंसिपल ब्रिज किशोर शर्मा जी रहते हैं, उनके पास संडे को शाम को एक कॉल आता है और कॉल आते हुए ये चीज बोलते हैं कि वो 5 पेटी अभी स्कूल के पीछे छोड़ जाए। जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, क्यों ऐसी सब बातें कर रहे हो, तब उसने बोला कि अगर पुलिस को तुमने बताया तो हम तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। ये सब चीजें सुनने के बाद वो थोड़े बहुत घबराए, पर उन्होंने टेंशन नहीं ली क्योंकि किसी का ऐसे फ्रॉड कॉल आ सकता है। और उस दौरान दूसरी बार एक अलग नंबर से कॉल आया, वो सेम बात बोली गई और फिर उस दौरान ही वो काफी ज्यादा घबरा गए और अपने परिवार की जान बचाने के लिए वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहां पर जाके उन्होंने अपना नंबर दिया और साइबर क्राइम वालों ने उनका नंबर जल्द से जल्द उन्होंने ट्रैकिंग के डाला और उस दौरान ही आईपीएस धारा 387 के तहत उन्होंने मामला दर्ज कर लिया और दर्ज करने के बाद वहां पर ये कार्रवाई शुरू हुई। और जब वो चार अलग अलग नंबर पे कॉल आया और आखिरकार साइबर क्राइम ने उस लड़के को ढूंढ लिया और ढूंढने के बाद जब उसको बुलाया गया तब बताया जा रहा है कि वहां के विंटी इंटर कॉलेज में उनके जो पापा हैं वो एक कलेक्टर का, एक जो कि प्रोफेसर का है, प्रोफेसर का काम करते हैं, उनकी जो माँ है वो टीचर का काम करती है, जो ये छात्र है वो 13 साल का है और उस दौरान ही इस छात्र का नाम है किशोर। किशोर के माँ बाप काफी ज्यादा दंग रह गए जब उनको बुलाया गया उनके पुलिस स्टेशन में और उस दौरान ही जो कि प्रिंसिपल थे वो भी वहां पर पहुंचे और बताया गया। जब उस बच्चे को पूछा गया तब उस दौरान उसने बच्चे ने ये चीज बताया कि कुछ टाइम पहले 53 लाख की ऑनलाइन ठगी हुई थी उनके माँ बाप के साथ है। तब से ही उसने सोच लिया था कि ये काम तो बहुत ही बड़ा, क्योंकि अभी तक कोई ढूंढा नहीं गया है, जिसके कारण उसने ये सब चीजें करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो जाता, पर उस दौरान ही वो कामयाब तो नहीं हो पाया क्योंकि पुलिस ने सिकंजा काफी ज्यादा कस के कसा हुआ था और उस दौरान ही अभी पुलिस ने उस किशोर को बाल सुधार गृह भेज दिया है। तो अभी बताइए आप कि पुलिस का जो ये डिसीजन है इसके ऊपर वो कैसा है, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।